न्यूज पेट्रोल सिर्फ सच। काला जादू, दुकानदार बेहोश और फिर लूटे दुकानदार को 3 घंटे बाद आया होश, तो देखा उसके 4.5 लाख से अधिक जेवरात लेकर चंपत हो गए बदमाश। यानी प्रतापगढ़ में काला जादू वाले बदमाश घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शिव मोहन शुक्ला, आप देख रहे हैं न्यूज पेट्रोल। न्यूज पेट्रोल में उस खबर की बात करेंगे जिस खबर पर लगातार हम चर्चा करते रहते हैं कि ऐसी खबरों से आप जागरूक हो, ऐसी खबरों से आप सावधान हो। यानी हम एक खबर आपको सावधान करने के लिए भी दिखाते हैं और आपको जागरूक करने के लिए भी दिखाते हैं, जिसका मकसद होता है कि आप अंधविश्वास, जादू, मंत्र, टोना, टोटका, काला जादू के चक्कर में ना पड़ें और आप सावधान और सतर्क रहें। इस तरह की खबर देखने को मिली है जहां प्रतापगढ़ के अंतु थाना इलाके के किठावर बाजार में गंगा प्रसाद सोनी का कहना है कि उसकी दुकान पर बाइक से 2 बदमाश आए और उन्होंने काला जादू कर दिया। उस दौरान उसका कैमरा भी बंद हो गया, जो सीसीटीवी कैमरा उसकी दुकान में चल रहे थे सामने, वह भी बंद हो गए। उसके बाद बदमाशों ने उससे काले लॉकेट की डिमांड किया, काले लॉकेट का दाम भी दिया, यानी उसका उसकी कीमत देते हुए फिर दूसरे आभूषण की डिमांड करने लगे, उससे कान के झुमके मांगने लगे, उससे अन्य गहने मांगने लगे। इस तरह से तमाम आभूषण निकलवाने के बाद सभी बदमाशों के निशाने पर जब व्यापारी आ गया तो दोनों बदमाशों ने आराम से 4.5 लाख से अधिक आभूषण अपने पास रखकर आराम से चंपत हो गए। दुकानदार का कहना है कि इस दौरान वह अचेत अवस्था में आ गया था, यानी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उसका कहना है कि उसके ऊपर काला जादू कर दिया गया। इस दौरान उसका सीसीटीवी कैमरा भी काम करना बंद कर दिया और उसको उसके ऊपर इस तरह का जादू किया गया कि वो कुछ समझ नहीं पाया। बाद में उसके भाई ने बताया कि ये लोग तो पिस्टल लेकर आए थे, तो उसने कहा कि पिस्टल, और उसके बाद जब दुकान को देखा तो वो अवाक रह गया, वो अचंबा रह गया, वो परेशान हो गया, क्योंकि वो लूट चुका था। यानी उसकी दुकान से 4.5 लाख से अधिक के आभूषण बदमाश लेकर फरार हो गए थे, आराम से चंपत हो गए थे और उसको खबर नहीं थी। क्या नाम है आपका? गंगा प्रसाद सोनी। कौन सा गांव? पूरब गांव, किठावर बाजार। क्या घटना घटी आपके साथ? घटना ये घटी कि एक बंगाली आया, पहले एक आया जो मेरे भाई, छोटे भाई के बर्तन की दुकान पे गया, वो कहा काला मोती का मैं माला दे दीजिए। उसके बाद फिर वो नहीं लिए, तेरा मिला के दे दो। मेरी दुकान पे लेकर आया क्योंकि वो काम नहीं करता, तेरा बर्तन वो बर्तन का अल्टीफिशियम काम है, यहाँ पर लेकर आया। उसके बाद एक लॉकेट उसको पसंद आया, वो 2400 रुपये का लॉकेट बना था, 2500 नगद दिया, 100 रुपये मैंने उसको रिटर्न दिया, 2400 का लॉकेट। उसके बाद उसने कहा एक कान का दे दो, मैं टोपस दिखाया, उसके बाद नहीं पसंद फिजाला दिखा दो, फिजाला दिखाया, फिर अंगूठी दिखाया, पिपाला दिखाया। सब दिखाने के बाद मैंने पुड़िया में लपेटा, लॉकेट खुली थी, खुली मैंने रखा था, अब खुली लॉकेट पड़ी है, नथिया पड़ी है, बाकी 3 सामान अंगूठी का, वो कान का झाला, बाला वाला सब लेकर चला गया। तो कैसे लेकर चला गया? आपने उसे रोका टोका नहीं? नहीं, वो यानी कि मेरा जैसे नज़र बंद हो जाता उसी तरह बंद करके वो अपना अंदर से हाथ काउंटर पे डाल अपना देख रहा था। तो मैंने एक बार पूछा ये क्या कर रहे हो, तो कहा मैं मेरी भाषा नहीं समझ पाओगे, मैं अपना हल्का देख ले रहा हूँ, छोटा बड़ा जो लेना ले लेंगे। अचेत कर दिया हमें, जब जाने के बाद पता लगा, जब छोटा भाई कह रहा है कि इन्होंने पिस्टल लिया, तो मैंने कहा देखो नज़र बंद करके सामान लेकर चले गया। पिस्टल भी लिया था? पिस्टल भी लिया। कितने बजे घटना है? 2:35। कितने कीमती सामान लिया, कितने लाख का नुकसान हुआ है? लगभग 80 ग्राम सोना लिया। कितने का 80 ग्राम सोना है? 3,48,000, लगभग 4,82,83,000। इस तरह की खबर प्रतापगढ़ में दोबारा हुई है। न्यूज पेट्रोल आपसे अपील करता है कि इस तरह के ठगों के, बदमाशों के झांसे में ना आए। ये उनका तरीका हो सकता है, काला जादू, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, इस तरह के अंधविश्वास पर ना जाएं। आप बिल्कुल सतर्क रहें, सावधान रहें,
और अपनी नजर ऐसे बदमाश और ऐसे ठगों पर बनाए रखें। फिलहाल मामला पुलिस के पास है, पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह के बदमाश आए और किस तरह का फार्मूला तैयार करके वह लाखों रुपए के जेवरात लेकर चंपत हो गए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लोकल पेज की बड़ी खबरों और तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया खबरों पर जरूर दें। साथ ही विज्ञापन और खबरों के लिए जो स्क्रीन पर लगातार नंबर चल रहे हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। न्यूज पेट्रोल, सिर्फ सच।